पहली बार लिंग को सपोर्ट करने जा रहा था, लिंग ने बेइज्जती करवा दी। जो बात है यार, लिंग से बहुत बहुत उम्मीदें थी। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज कॉल्ड क्रिकेट। आउटस्टैंडिंग, एंटरटेनिंग, एक्साइटिंग, मज़ेदार, दिलेर क्रिकेट, ये क्रिकेट है जिसकी वजह से मैं क्रिकेट फैन बना। मुझे आप लोगों का तो नहीं पता भाई। एक बेहतरीन टेस्ट मैच हम लोगों को देखने मिला। तो सबसे पहले तो मुबारकबाद पेश करता हूँ मैं ICC को, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को, इंडियन क्रिकेट टीम को, इस मैच को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, हम फैंस के लिए। तो भाई क्लैपिंग। अब चलते हैं भाई मैच के बारे में। पहली इनिंग 469 ऑल आउट, दूसरी इनिंग 270 पे डिक्लेयर। मैं इंडिया के स्कोर बताऊंगा नहीं, क्योंकि वो बताने वाले हैं भी नहीं। इंडिया स्ट्रगल एक्सट्रीमली, मतलब वो लगा ही नहीं, वो मुझे लग रहा था कि वो IPL खेल के आ गए हैं, तो उनको लगा कि वो IPL वाली क्रिकेट खेली जाएगी जैसे कि इंग्लैंड खेल रहा है। लेकिन यहाँ पे बहुत स्मार्टनेस वाली क्रिकेट खेली गई है। ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट ऐसे लग रही थी जैसे कि वो एशियज खेल रहा है, ऐसी गेम वो एशियज में खेलता है। सबसे पहले ग्राउंड पिच यही होना चाहिए, यही होना चाहिए ताकि बैट्समैन को स्ट्रगल हो, बॉलर्स जो है अपनी दिलेर वाली बॉलिंग कराएं, बैट्समैन स्ट्रगल करे और कोशिश करे कि भाई वो रन बना ले, कुछ कर ले, कुछ टिक जाए पिच के ऊपर। तो भाई बेहतरीन स्टेडियम, बेहतरीन पिच, मैं तो इसमें सहमत हूँ कि भाई यही होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग के ऊपर दाद देनी पड़ेगी, लेकिन उससे पहले ट्रेविस हेड, स्टीव स्मिथ, तबाही बैटिंग, खूबसूरत तरीन बैटिंग भाई, मज़ा आ गया भाई देख कर। इंडिया के भी अब इंडिया ने भी कुछ खेला है ना, तो इंडिया की भी तारीफ करनी पड़ेगी। इंडिया के सिराज, शामी, ये दो बॉलर जो है ना बड़े खुश हुआ, लेकिन इंडिया से जो उम्मीदें थी वो नहीं कर पाया। एज अ क्रिकेट फैन, इंडिया स्ट्रगल, और बहुत सारे मैं उनके फैंस के पोस्ट फेसबुक पे, वीडियोस वगैरह, मीम्स आ रही हैं, वो भी देख रहा हूँ मैं। स्ट्रगल, वो भी बहुत परेशान वो लोग बेचारे, क्योंकि आप जब फाइनल हारते हो तो इट हर्ट्स, ठीक है। और ये हमसे कोई नहीं बता सकता कि अभी हम लोग रिसेंटली टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल हारे हैं। लेकिन भाई ऑस्ट्रेलिया का गेम आउट क्लास गेम, बैटिंग में, फील्डिंग में, और स्पेशली मैं बॉलिंग की तारीफ करूंगा। क्या दिलेर बॉलिंग भाई, आउट क्लास बॉलिंग। स्पेशली वो जो नया लड़का आया ना, जो बीन से नाम आता है उसका, क्या नाम है, बॉलेंजर है, क्या नाम है, जो भी है, ओए होए होए। उसके बाद सोने पे सुहागा, कमिंस और स्टार्क, बहुत मुश्किल था। और अगर एक और इंडिया पर ना वो बेस्ट गेम दिखा भी देता ना, तो थोड़ा मज़ा इंटरेस्टिंग बन जाता। लेकिन उन्होंने जितनी भी कोशिश करी है, आई एम हैप्पी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जिस लेवल पर है ना अभी टेस्ट क्रिकेट के अंदर, बहुत डिफिकल्ट है भाई, बहुत डिफिकल्ट है ऑस्ट्रेलिया का और आना। लेकिन एक बेहतरीन, एंटरटेनिंग, एक्साइटिंग टेस्ट मैच देखने को मिला, इसमें मुझे खुशी हुई, और वेल डिजर्व विक्ट्री। ऑस्ट्रेलिया ने जो है ताबड़तोड़ बैटिंग करी है, ताबड़तोड़ बॉलिंग करी है, और जेब में रखा है इंडिया को। इंडिया वर्स स्ट्रगल, चौथे दिन का मैं कोशिश में दुआएं कर रहा था कि कोहली खेल जाए। वंस अगेन कोहली के ऊपर उम्मीदें लगा के बैठे हुए भाई, पूरी टीम गेम हो जाए, अकेला क्या करेगा वो इस पिच पे, बड़े से बड़ा प्लेयर जो है ना वो हिलता है। लेकिन यही पिच पे जो है स्टीव स्मिथ और हेड ने फिर खेला भी है, तो भाई सारा गेम यहाँ आ गया। आपने जो है ना सेटल करना है अपने आप को, देन गो फॉर द रन्स। और मुझे तो, मैं तो ये बोलता था कि भाई इफ़ यू आर लूजिंग ना, और फोर्थ डे है या थर्ड डे है, जस्ट लीव द फकिंग बॉल्स मैन। शॉर्ट बॉल को टच कर रहा है पुजारा, एज निकल रहे हैं, ऊट पटांग के आउट हुए हैं, जस्ट लीव द बॉल, टाइम वेस्ट करो, गो फॉर द ड्रॉ। इंडिया डोंट गो फॉर द ड्रॉ। इंडिया को हमेशा बोला था जीत जाएंगे, अब जीत जाएंगे, कोहली खेल जाएगा, पुजारा खेल जाएगा, या आपका वो रहाने ने बहुत अच्छा गेम खेला, रहाने की भी बात तारीफ करनी चाहिए। रहाने ने पिछले इनिंग में भी कुछ खेला, इसमें भी उसने पूरी कोशिश करी, लेकिन जब तक सामने पार्टनर ही नहीं होगा तो क्या करेगा बंदा भाई। ओवरऑल वेल डिजर्व विक्ट्री ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया ने जेब में रखा इंडिया को। अब चलते हैं मीम रिव्यू आफ्टर लॉन्ग लॉन्ग टाइम। द ग्रुप इज वेटिंग, द मीम्स इज वेटिंग, लेट्स गो। सॉरी ब्रदर, इट्स कॉल्ड कर्मा। ओके जी, कांग्रेचुलेशन इंग्लैंड, वेल डिजर्व, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑस्ट्रेलिया, वेल डिजर्व। कोहली भाई ने ये जब मार दिया, हम लोग फाइनल हार गए थे, कोई बात नहीं, इट्स अ कार्मा, दोनों तरफ होता है, ठीक है। WT's फाइनल मीम्स अराउंड, इंडियन मैन हेड विंस विद ट्रेविस हेड टू इंडियन बॉल, तलाई, खतरनाक धलाई, ये रोहित शर्मा इन ओवरसीज टू। रोहित शर्मा भाई ओवरसीज में क्या हो जाता, समझ से बाहर है। शुभम गिल इन IPL, शुभम गिल इन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन, जो बात है भाई। शुभम गिल तो भाई वेरी डिसअपॉइंटिंग, वेरी पाकिस्तानी ऑन शुभम गिल। अच्छा, वो कैच का भी बता दूं मैं कि कैच वाला भाई वो बिल्कुल सही था, ठीक है। दो फिंगर्स नीचे थी, ये रूल है, फिंगर्स अगर नीचे हो तो आउट होता, तो आउट था वो। आई डोंट नो व्हाई पीपल आर क्राइंग।
क्राउड इन द स्टेडियम, क्राउड ऑफ चोकिंग कोहली, वेरी गुड मीम। ये इसमें जो है ना पूरा ओवरऑल मैच मीम्स है भाई। इंडियन थिंकिंग ऑफ द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, ले स्कॉट बोले पाकिस्तानी विदाउट एनी रीजन, जो बात है पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं, बस इंडिया हार रहा है ना तो हमको। नॉट द फर्स्ट टाइम इंडियन टीम गेटिंग ट्रैश इन आईसीसी फाइनल एट द वर्ल्ड, अरे यार मौका चाहिए हम लोगों को, बस हमें बस मौका चाहिए। ये मैं वीडियो ब्लर कर दूंगा लेकिन ओए होए ये जो आउट हुए ना कोहली भाई, क्लास है बोलेंड की भाई, क्लास है, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग भाई। ये जो आओ ये देखो, इतनी बाहर बॉल को ड्राइव खेलने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब क्या बोल रहे बंदा यार, उम्मीदें थी कोहली से भाई, उम्मीदें थी खेल जाता। वीडियो दोस्तों मैं ब्लर कर दूंगा क्योंकि कॉपीराइट का मसला होता है। ओडीआई वर्ल्ड कप चैंपियंस ट्रॉफी, टी20 वर्ल्ड कप, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, ऑस्ट्रेलिया बिकम द फर्स्ट टीम टू विन एवरी मेजर आईसीसी टाइटल। ओ भाई अनबिलीवेबल, इट्स अनबिलीवेबल एंड इट्स क्या बोलो अल्फाज नहीं, ऑस्ट्रेलिया जो है ना गॉड है क्रिकेट का इस वक्त, आउटसाइड एज एंड गॉन सेम स्टोरी। डिड यू नो स्कॉट बोलैंड प्लेड फॉर राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स इन आईपीएल 2000 अंडर एमएस धोनी लीडरशिप। अच्छा भाई थला सुपरमेसी, ओके ओके, यहाँ पर भी जो है इन्होंने एमएस धोनी का डाल दिया है, कहीं कोई मौका नहीं छोड़ना। लेकिन बोलैंड जो है भाई वड़ा बॉलर भाई, बच के रहो जितने ही बैट्समैन है। यकीन कर भाई आपके हारने का सुन के बहुत दुख हुआ पाकिस्तानी फैंस राइट नाउ। Eat, sleep, play World Test Championship final by playing on Mohali dirt track whole year. Become a laughing stock in final every year. Repeat. यार ये I strongly believe कि IPL they think कि IPL वाला scene हो जाएगा, लेकिन नहीं test match, I think कोशिश करी है इंडिया ने, लेकिन वो मुझे लगा जो कि इंडिया खेलेगी वो खेल नहीं पाई, especially बहुत सारे players like रोहित शर्मा disappoint किया बहुत, विराट कोहली disappoint किया। फाइनल जीतना वो क्या होता है, फाइनल से पहले फोटोशूट करना हो या बड़ी बड़ी बातें करनी हो तो बताओ यार फोटोशूट तो हर कोई करता है यार, चलो कोई बात नहीं, आज पाकिस्तानी फैंस बहुत खुश है। थेरेपी इज सो एक्सपेंसिव सो आई प्रेफर वॉचिंग इंडिया लूजिंग, कॉन्ग्रेचुलेशन इंडिया ऑस्ट्रेलिया। पहली बार लिंक को सपोर्ट करने जा रहा था, लिंक ने बेइज्जती करवा दी, जो बात है यार लिंक से बहुत बहुत उम्मीदें थी। सो गाइस दिस इज द वीडियो, दिस इज द मैच रिव्यू एंड मीम रिव्यू ऑफ World Test Championship Final, Australia versus India. I'm very disappointed as a cricket fan. बहुत उम्मीदें थी विराट कोहली से, रोहित शर्मा से, लेकिन नहीं परफॉर्म कर पाए। ऑस्ट्रेलिया ने जेब में रखा, इसमें कोई दोहराई नहीं है, हम ये बोल सकते हैं स्ट्रेट अप, ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को जेब में रखा। एंड मैन ऑफ द मैच इज गोज टू बोलैंड, आउटस्टैंडिंग बॉलर, उससे बच के रहो भाई जितने भी हैं। और अगला हम लोग भी सीरीज खेलने जा रहे हैं, बाबर भाई बच के रहिएगा, खतरनाक बॉलर है भाई। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, ख्याल रखिएगा। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब ऑन यूट्यूब चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब, इफ यू आर वॉचिंग ऑन फेसबुक मेक श्योर टू लाइक द पेज फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। बाय बाय।